नमस्कार आपण देखते दुर्गम ओडिशा आपण सब शक्ति साई मिश्र आज आम आपको देखू राज्यर विभिन्न दुर्गम अंचल किभली सरकारी योजना अपहंच एवं लोके समस्या घाटी होती तेरे विस्तृत खबर को जवा पूर्व प्रथम आस देखने कौन रही हेडलाइंस ढेंकानाल जिले पक्का रास्तार असल चित्र जिलार 48 गाँव में पहुंचा बेस कष्टसाध्य खाल ढीपे भर्ती संपूर्ण रास्ता गांव को जापार नहीं आंबुलांस समस्या नहीं बारंबार अभियोग पर भी मिलूनी सुफल कोरापुट जशवंतपुर ब्लक में 16 पंचायत बासिंदा दुख निर्माण पर भी कम आसुनी फ्रिज पंचायत पर आप्रोच रोड भरोसा पानीरे पड़ा कोटी कोटी टंका उठिला प्रश्न निम्नमान काम नहीं कहीं कार्यानुष्ठान पहाड़ जंगल भितर हजिजा को बसी जीवन रास्ता बिजुली समस्या उपरे भारी पड़ू जल कष्ट समस्या घर में कोरापुट जिला नंदापुर ब्लॉक मांडीपदर गाँ वर्ष वर्ष धरी जंगली जीवन काटुचंती 30 अधिक परिवार अंगनवाड़ी केन्द्र में ताला शिशु कल्याण योजनार वंचित कुनि कुनि शिशु पिला मिलूता सहायता को अंगनवाड़ी कर्मी हड़प अभियोग को 2 वर्ष पर भी ब्लॉक प्रशासन नेउनी कौन पदक्षेप उपांत इलाकार पहुंचुनी गमनागमन व्यवस्था स्कूल जवा छात्र छात्री करपदपूर्ण जात्रा बाधक साजिश खाल खमा भरा पथुरिया पहाड़िया रास्ता अंचलवासी प्रश्न आउ केते दिन रहिबु विच्छिन्न एवं समस्या घर में नुआपड़ार कईमुंडा गाँ शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन अपहंच बण मणीष भली दुख कष्ट बीतुची जीवन निष्कपट शांत सरल आदिवासी पड़ुनी प्रशासन नजर प्रश्न गाँव में पड़ कि सरकारी बाबूं पाद गाँव गुड़ी विकास मुख्य स्रोत में सामिल करने लग पड़ सरकार एवं करुंक योजना कोटि कोटि टंका व्यय निर्माण करुंट पक्का सड़क है ढेंकानाल जिलार एभली अनेक गाँ रही जोठी की गाड़ी मोटर तो दूर कथा पादरे चली चली जावा कष्टर बारंबार रास्ता समस्या ने उच्चपदस्थ अधिकारी को जड़ाइले कौन सुफल मिलन अभियोग कर स्थानीय लोके खाल ढीपे भर्ती संपूर्ण रास्ता गाँ को जीवाई कच्चा रास्ता ही एकमात्र भरोसा गाड़ी मोटर तो दूर कथा चलिकी जावा कष्टसाध्य रास्ता नथिबारु गाँ को जापार नहीं आंबुलांस समस्या नहीं बारंबार जणाइले सुफल मिलून अभियोग ढेंकानाल जिला सदर ब्लक अंतर्गत करडामड़ा और बलांगीपाटना गाँ टे भलक देखत गाँवर दृश्य को गाँ को जीवाई कचा रास्ता ही एकमात्र भरोसा खाल ढीपे भर्ती संपूर्ण रास्ता गाड़ी मोटर तो दूर कथा चलिकी जावा कष्टसाध्य गाँ को जवाक जितियों राजपथर प्राय 6-7 किलोमीटर एमती कच्चा रास्त पड़े आ बर्षा दिन कथा किए पचारे गाँ को रास्ता आंबुलांस पहुंचा काठिकर पाठ तेरे लोकों समस्या एति की सरनी यह अंचल हाथी उपद्रव कि कम नुहे संजय नईले रास्ता खाली तेज खाली रास्ता नुहे शुद्ध पानी जल टोपे सात सपन आज भी आवास योजन अनेक लोक वंचित गाँवर समस्या नहीं सरपंच ब्लॉक प्रशासन अबा स्थानीय जनप्रतिनिधि को जणाइले कौन सुफल मिलन अभियोग कर स्थानीय बासिंदा रास्ता पूरा खराब गोटे आंबुलांस रात अधरे भी आम चाहिए जीवाई रोगी नहीं कि आंबुलांस भी आसुनी हाथी बहुत ये मानते आम बहुत असुविधा अच्छा जिलापा को जाकि आवेदन करूँ कि किसी आक्शन ने हाथी तो बहुत किसी जहाँफल धान फान भल मंद फसल किसी हो पार नहीं हाथी पूरा खाई आउ पानी सुविधा भी ये ना
ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ତମ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଛି। ହିସାବ କରନ୍ତୁ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଛି। ସେ MP କୁହନ୍ତୁ, MLA କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ତମ ରାସ୍ତା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଲା ଗଲା ପରେ ସିଏ ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କଲେଜ ସକାଳୁ 8ଟାରେ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିଲା କ'ଣ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଚାଲି ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଚାଲିଚାଲି ବସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏପଟେ, ରାସ୍ତା ଚାଲିଚାଲି ଲେଟ୍ ହୁଏ, କଲେଜରେ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପାଣି, ଆଗରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ 8 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପାଣି ଏଇଠୁ ବନ୍ଧ, ପୋଖରୀ କିଛି ଖୋଳା ନାହିଁ, ନଳ କରି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ପିଉଛୁ, ସେଇ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡକୁ ଛାଣିକି ପିଉଛୁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର 48 ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଶ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସର୍ବାଧିକ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ 12 ଗାଁ ପଛୁଆ ରହିଛି, ସେଭଳି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ 8, ପରଜଙ୍ଗରେ 7, ଭୁବନରେ 7, ହିନ୍ଦଳରେ 4, ଗନ୍ଦିଆରେ 4, ଓଡ଼ାପଡ଼ାରେ 6, ସଦରରେ 4 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର 48 ଗାଁର ଗାଁ ଭାଁ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଁରେ, ସଡ଼କ କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇଦେବା, ଶୁଦ୍ଧ ପାଇ ଯୋଗାଇଦେବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 48 ଗାଁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 100 ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 50 ଗାଁ ଟପିବ, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ପାଇବେ ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତା'ର ସ୍ୱତମ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ତଳର ରାସ୍ତାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି? ଆଜି ବି ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲା, ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମରାମତି ହେଉନି ବ୍ରିଜ୍। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି 16 ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। କୋରାପୁଟ ଦଶବନ୍ତପୁରରୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିର୍ମାଣ ପରେ ବି କାମରେ ଆସୁନି ବ୍ରିଜ୍, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଭରସା। କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ଦଶମନ୍ତପୁରରେ 2015 3,15,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହେଲା ବ୍ରିଜ୍। ନିର୍ମାଣ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦବିଗଲା ବ୍ରିଜ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା। ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମରାମତି ହେଉନି। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 16 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେତିକି ଆସିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଇ ମାସେ ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବେ ଯାଏ କାମ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ କି କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ବି ଭସୁରି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ଲୋକକୁ ML ବା କଲେକ୍ଟରକୁ ବା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଜଣାଇଲୁ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇ ଜାଣିପାରୁନୁ। କେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହେବ କ'ଣ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର MLA ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, କାହିଁ କିଛି ତା'ର ମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ଜଲ୍ଦି କାମଟା ଟିକେ ହେଉ, କାହିଁକି ଟାଇଗଲା ଶୀତ ଆସିଲାଣି, ଏ ଭିତରେ ଯଦି ହେବ ବୋଲି ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ଆମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାର ନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ। ବ୍ରିଜ୍ ଦବିବାର ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ନା ହେଲା ତଦନ୍ତ, ନା ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା,
ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବି ଯାଇଛି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନୂଆ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ, ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ସଭା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଛି ଜୀବନ, ରାସ୍ତା ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡିପଦର ଗାଁର କଥା, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ଜୀବନ, ରାସ୍ତା ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡିପଦର ଗାଁ କଥା। ଦୀର୍ଘ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ଖାଲି ନାଁକୁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ହେଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ବିଜୁଳି ଅଛି ହେଲେ ଦିନେ ରହିଲେ 4 ଦିନ ଅନ୍ଧାର, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ 2 ନଳକୂପ ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି, ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମହିଳା ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ନନ୍ଦ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ସବୁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି ପାଣିକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଦୁଇଟା ଢାଙ୍କି ପାଇପ୍ ଅଛି ପରା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ତ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ତ ନାହିଁ, ଖରାଦିନେ ସାଇ 2 ଅଛି ବୁଲି ବୁଲି କରି ଖାଉଛ ଆଣି। କେତେ ଘର ଅଛି ଗାଁରେ? ଗାଁରେ 30 ଘର। କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କହିଲେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖରିଦେବା ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନଳକୂପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଭେଟି, କାଲିଠାରୁ କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଦଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପର ସ୍ତରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲର ଦରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଉତ୍ପାଦନ କର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି 5 କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଭଳି ଡିଜେଲ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି 10 ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଡିଜେଲ 10 ଶସ୍ତା ହେବ, ପେଟ୍ରୋଲ 5 ଶସ୍ତା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ମାତିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୀପାବଳିର ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଦୀପାବଳି ଗିଫ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 5 ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 10 ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଯାହା ଆଦାୟ କରାଯାଏ ତେଲ ଉପରେ, ସେଥିରୁ 5 ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ 10 କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 10 ଶସ୍ତା ହେବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 5 ଶସ୍ତା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଭାର ପଡ଼ିବ ବା ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କ କୋଷକୁ ସେଥିରେ ଘାଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
पेट्रोल उपरे 5 टंका उत्पादन शुल्क को कमाई दिया जाइछि एवं डीजल उपरे 10 टंका कमाई दिया जाइछि उत्पाद शुल्क त बड़ा आश्वस्ति देशवासी के पाई एवं यार सीधा सड़क प्रभाव मध्य पड़िबो दरदाम वृद्धि को रोकिबा क्षेत्र रे पेट्रोल डीजल खासकर डीजल दर जते बळे कमिबो अन्यान्य अत्यावश्यक सामग्री रो दर वृद्धि को मध्य ता नियंत्रण को नै आसीबो परिवहन खर्च कारण यहाँ द्वारा कमी जीव डीजेल उपरे साधारण परिवहन साधारणतः निर्भर करिथाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट बा साधारण लोक व्यवहार करथुबा परिवहन डीजेल उपरे निर्भर थाय एवं डीजेल दर जते बळे 10 टंका कमी जाउछि निश्चित रूपरे दरदाम वृद्धि को नियंत्रण करिवार एटा गोटे बड़ पदक्षेप हबो मोदी सरकारकर दीपावली भेटी पेट्रोल डीजेल को सस्ता करि देइछंती अर्थात सरकार उत्पाद शुल्क उपरे पेट्रोल ने 5 टंका एवं डीजेल ने 10 टंका कम कर देइछंती जदि एथि जोगु सरकारी राजकोष रो घाटा हबो किंतु साधारण जनता को बहुत बड़ा आश्वस्ति मिलिबो। अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछंती हम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल। गगन, मोदी सरकारकर बड़ा गिफ्ट दीपावली पूर्वरु दीपावली रे डबल खुशी लोक खुशी बनाइबे दीपावली रो एवं अन्य पटे पेट्रोल डीजल दर ह्रास मध्य लोकों को खुशी दबो। देखो निश्चित भाव शक्ति दिवाली पूर्व दुईट बड़ बड़ खुशी खबर लोक पाखक आसे कथे कि भाव कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ मान्यता मिली तेज निश्चित भाव तापर देखिए ये एक्सरसाइज ड्यूटी जो कमी निश्चित भाव पेट्रोल डीजेल रि दर निश्चित भाव ह्रास हम तेज निश्चित भाव यार इंपैक्ट देखिए शक्ति अनेक क्षेत्र में पड़ो कहीं सीधा सड़क आम ट्रांसपोर्टिंग कथ जी आसे भारत बर्षर 99% ट्रांसपोर्टिंग आम जी कह पेट्रोल डीजेल होची रोड ट्रांसपोर्ट उपरे तो निश्चित भाव ये गोटे बड़ खास करते डीजेल रेतवे एक्साइज ड्यूटी कमाऊँ केंद्र सरकार तो निश्चित भाव ये गोटे बड़ इंपैक्ट यार मार्केट उपरे पड़ो कहीं देखिए दिवाल जो लोक मैंने फेस्टिव सेसन में क्रय विक्रय हो तार सीधा सड़क इंपैक्ट पेट्रोल डीजेल दर वृद्धि होगा फल तार इंपैक्ट पड़ता तो निश्चित भाव ये गोटे सामान्य रिहाती पे समस्त कि देखिए बर्तमान पूर्व जिते पूर्व वर्ष कथा कहतु ता पूर्व वर्ष कथा कहतु जिते पेट्रोल डीजेल दर वृद्धि होता केन्द्र सरकार ही सर्वप्रथम इनिशिएटिव नहीं एक्साइज ड्यूटी को कमेते परवर्त पर्यायर कौट ना कौटी राज्य मैंने बाध्य होते एक्साइज ड्यूटी कमिया तेणु निश्चित भाव जिते केन्द्र सरकार कमाऊँ तेणु राज्य मैंने इनिशिएटिव नवा दरकार राज्य मैंने कमेवा दरकार जहाँफल पेट्रोल डीजेल दर जो 100 क्रॉस करनेक राज्य में 110 रु अधिक जगार बिक्रय होती तेणु निश्चित भाव तार गोटे बड़ इंपैक्ट देखा मिल निश्चित भाव पेट्रोल डीजेल दर जो वृद्धि होती अहेतुक वृद्धि होती निश्चित भाव ह्रास हम तेणु बारंबार जो विरोधी पड़ूला प्रेसर पड़ूला गवर्नमेंट उपर और गवर्नमेंट बर्तमान जो इनिशिएटिव नहीं निश्चित भाव सबू वर्गर लोक को स्वागत करना देखिए 100 पर जिते वृद्धि होती तेल दर शक्ति निश्चित भाव सीधा सड़क साधारण जिनस पड़ू जिते पर रेट आम सहित लिंक करशार गोटे बड़ भाव गगन दरदाम वृद्धि को यहाँ नियंत्रण को आने तो निश्चित सहायक हम मोदी सरकार ये निष्पत्ति जदिओ सरकारी राजकोष को घाटा हम संजय लाठ आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन रा साधारण संपादक श्री तो लाठ आपंकर प्रतिक्रिया जानिया को चाहिबु पेट्रोल 5 टंका एवं डीजेल 10 टंका उत्पादन शुल्क जिते बड़े कमे दौरान केन्द्र सरकार एटा गोटे केड़े बड़ा आश्वस्ति साधारण ग्राहकों पर निश्चित भाव में दिवाली भेटी बोली कही हम एवं किसी गणमाध्यम न्यूज आगुरु थिला जे किसी सरकार केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी ह्रास करती किंतु 2 टंका 3 टंका आशा करा जायतिला बट 5 टंका एवं 10 टंका बहुत स्वागत योग्य बोली कहा जाय परिबो कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार जोगु बहुत दरदाम बढ़िबार लोकों ऊपर बोझ पड़ीला एवं डीजल दर बढ़िबा द्वारा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल हेतिबारु सबु जिंस ऊपर तार इंपैक्ट पड़ीला तो एटा आज जो 5 टंका और 10 टंका केन्द्र सरकार कमेले एटा खाउटिंग को पई 6.5 टंका एवं 13 टंका रो इंपैक्ट आनिबो ओके बहु अर्थात बहुत बड़ा आश्वस्तिर कथा निश्चित भाव में तेज शीतलाठ ए प्रश्न होउची जे केंद्र सरकार तांका दायित्व निर्वाहन कले
एवं 10 टंका 5 टंका पेट्रोल डीजल उपरे कमैले एबे सबटु बड़ कथा आउची राज्य सरकार भैट कमैबे ना नाही पेट्रोल एवं डीजल उपरु देखंतु उभय सरकार हमें कहिबा जे लोकंक द्वारा माने हेतिबा सरकार तो लोकंकर दुख को निश्चित अनुभव करिवे एवं केंद्र सरकार जदि कमैचंती राज्य सरकार मध्ये जो भैट बढ़ेतिले गत वर्ष ता निश्चित भाबरे विचार करिवे कमैबा पई तो सीधा सड़क यार इंपैक्ट गरीबंक बा साधारण लोकंकर पॉकेट बजेट उपरे पड़िबो ये गोटे दीपावली पूर्व गोटे बड़ उपहार कह जाई पारिबो एवं जदियो सरकारंकर राजकोषर घाटा हबो किंतु ता सत्ते सरकार एभली एक निष्पत्ति नेइछंती एवं जो कथा आपण कहले आशा करा जाउतला 2 टंका 3 टंका किंतु 10 टंका पर्यंत डीजल जेतेबेले कमुची यार सीधा सड़क इंपैक्ट जो अत्यावश्यक दर वृद्धि को नियंत्रण करबा उपरे पड़िबो ना नहीं इमीडिएट पड़ो सब जिन दरदाम कंट्रोल करने सहयोगी हम एवं आउ गोटे जिनस अंतरराष्ट्रीय बजार रे आगामी दिन में क्रूड ऑयल दाम बढ़िवार संभावना रही तो सेटा को मध्य अब्जर्व करवाई यही ह्रास हवाटा निहाती दरकार थिला ओके बहुत बहुत धन्यवाद शीतलाठ आपणकर प्रतिक्रिया संजय लाठ साधारण संपादक ऑल इंडिया पेट्रोलियम एसोसिएशन एवं तांकर जहाज से प्रतिक्रिया रखिले जे एटा ना केवल पेट्रोल डीजल व्यवहार करथुबा ग्राहकंकु आश्वस्ति आनी दबो बरम पूरा देशवासींकु समस्तंक बजेट कु ये गोटे सुहाइला भळी ये निष्पत्ति आसीछि समस्तंक पॉकेट कु सुहाइला भळी ये निष्पत्ति आसीछि कारण अत्यावश्यक सामग्री रा दरदाम इमीडिएटली कमिबो बस भडा कमिबो एवं जो माने घरोई वाहन व्यवहार करुछंती सेमानंक उपरे प्रभाव पड़िबो पनीपरिया दर ठार आरंभ कर अत्यावश्यक सामग्री जहाँ भी परिवहन जोगु जो गुड़िकर दर वृद्धि पाला तो से गुड़िकर दर नियंत्रण को इमीडिएटली आसीबो ए कथा आशा करा जाउछी केन्द्र सरकार निष्पत्ति नहीं किसी प्रतिक्रिया आसंतु शुणा ये निष्पत्ति पर कौन आस लोकर प्रतिक्रिया जनता का टैक्स दे रही है तो सरकार के पास जा रहा है वो भी जनता का पैसा ही है और सरकार का जनता के पैसे का जनता के लिए यूज कर रही है और वो कभी टेम्परेली ज्यादा चला गया टैक्स में तो कोई बात नहीं अपना ही पैसा है मैंने एक पॉकेट में ज्यादा पैसा डाल दिया कभी तो कोई बात नहीं है पॉकेट तो मेरी है मैंने ऐसे सोचना बंद कर दिया बंद कर दूंगा कि सरकार का पैसा मेरा पैसा नहीं है वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ओके अति बढ़िया प्रतिक्रिया रखुले जड़े ग्राहक जे जो पैसा जाऊला एक्साइज ड्यूटी ना रे से पैसा जाऊला कहीं नहीं जाऊन सरकार निज घर को नहीं जाऊन से लोकों काम लगुला देशर विकास काम से पैसा लगुला एवं सरकार जिते अनुभव कले लोकों पर बोझ पड़ू से लोक कमई से एक्साइज ड्यूटी को ह्रास करदे तो लोक मैंने यहाँ अनुभव करने उचित जे ए पैसा किए नहीं जाऊनी ए पैसा आमरी काम ही जाऊला एवं जितेबाला लोकों पर बोझ पड़ी निश्चित रूपे सरकार बड़ निष्पत्ति नहींचंती 10 टंका डीजेल उपर एवं पेट्रोल उपर 5 टंका एक्साइज ड्यूटी को ह्रास कर दि जाएगी एवं बड़ प्रश्न हूँ जे केन्द्र सरकार दायित्व पालन कले एक्साइज ड्यूटी कमईदे एवं राज्य सरकार भैट कमेबे ना नहीं कारण केन्द्र सरकार जो भाव एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजेल उपर आदाय कर टैक्स से भाई राज्य सरकार मोटा अंकर भैट आदाय एवं गत वर्ष कोरोना परवर्ती समय रे राज्य सरकार भैट वृद्धि करते पेट्रोल उपरे तो एबे बड़ा प्रश्न पेट्रोल डीजेल उपरु राज्य सरकार भैट कमेबे ना नहीं मैं एक एडेड स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ अलका जी सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं दीपावली से दिन पहले इसको आप कैसे देखती हैं मैं तो इसको एक बहुत वेलकम स्टेप मानती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से एंड आई थिंक सो इट्स अ गिफ्ट फॉर द लेडीज स्पेशली क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इन्फ्लेशन रेट कम होता है सब्जियों के और ग्रोसरी सबके इन जनरल क्योंकि आजकल जब भी हम कोई चीज महंगाई की तरफ बढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है और हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं सब्जियों के फलों के सब चीज के तो इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा कि अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो ये एक दिवाली के मौके पर हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है सो वी थैंक मोदी जी
फॉर दिस. थैंक यू. तो मोदी सरकार दीपावली गिफ्ट पेट्रोल और डीजेल सस्ता हाब आसंता काली ठारु खास करी डीजेल उपरे 10 टंका उत्पादन शुल्क ह्रास अत्यावश्यक दरदाम दर वृद्धि को मध्य नियंत्रण को आणिबो तो गोटे बहुत बड़ा आश्वस्तिर खबर देशवासी तो समय हो बुलेटिन को रखा. नमस्कार.